गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर साहबजीत राला। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। सो एलिमिनेशन रिएक्शन इज अगेन ऑफ द थ्री टाइप। देर इज अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, देन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड देन गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्टली वी विल स्टडी हियर द अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो क्या होती है। तो व्हाट इज द अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, देन मैं टू से कि अगर मैं इसकी केमिकल इक्वेशन लिखूँ तो वो ये है कि वी हैव हियर द CHCl3 एंड इफ वी ऐड हियर NaOH तो वी विल गेट हियर CCl2 विच इज़ कॉल्ड हियर डाइक्लोरोकार्बीन विद लॉस ऑफ वाटर एंड Cl नेगेटिव। सो दिस इज़ ए टाइप ऑफ द अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हाउ वी कैन से दैट कि दिस इज द अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन दैट वी विल स्टडी फ्रॉम द मैकेनिज्म। तो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ द अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्टली यहाँ पे देखें, ये क्लोरोफॉर्म है और ये हमारे पास NaOH है। तो जो बेस है दैट विल डिसोशिएट इनटू द सोडियम पॉजिटिव एंड हेयर इज द OH नेगेटिव आयन। तो ये हमारी रिएक्शन का जो है फर्स्ट स्टेप है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास ये क्लोरोफॉर्म है तो ये Cl है, ये भी Cl है और ये Cl है और यहाँ पे H। क्लोरोफॉर्म को हमने इस तरह से लिख लेना है, दैट इज़ कॉल्ड हेयर क्लोरोफॉर्म। तो व्हाट विल हैपन हेयर, जो यहाँ से ये बेस है तो हमने यहाँ पे बेस की एडिशन करनी है क्लोरोफॉर्म के साथ। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात ख्याल ब्यात जो है ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे एक कार्बन है हमारे पास। अगर दूसरी कार्बन होती तो अगर इसको हम अल्फा मानते तो दूसरी बीटा होती, लेकिन यहाँ पे एक ही कार्बन प्रेजेंट है। दैन मीन टू से द लॉस ऑफ द वाटर एंड लॉस ऑफ Cl नेगेटिव विल बी टेक प्लेस फ्रॉम दिस कार्बन एटम। तो नो व्हाट विल हैपन हेयर, सो द बेस विल अब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटोन फ्रॉम हेयर एंड दिस इज कार्बन एंड दिस इज क्लोरीन। द क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव दैन दैट ऑफ दिस कार्बन, सो इट विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ। तो देयर फोर कार्बन विल कैरी विद चार्ज पॉजिटिव। तो ये वाला जो ये बेस इस H प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये जो H अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इसको डोनेट कर देगा। नाउ सी हियर दैट कि अगर ये कार्बन से क्लोरीन जो है वो रिमूव हो जाएगा तो ये तो बन गया हमारा Cl नेगेटिव। और यहाँ पे ये बेस अगर इस H प्रोटोन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो व्हाट वी विल गेट हियर, वाटर। एंड बाकी जो हमारे पास पार्ट रह गया है दैट इज द CCl2। ये कार्बन उसके साथ कितने क्लोरीन लगे हैं, 2। और ये बॉन्ड जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन से बनाए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के पास चले जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बीन। तो कार्बीन जो है इसको डाइक्लोरो कार्बीन जो है नाम दिया जाता है। सो दिस इज द डाइक्लोरोकार्बीन। सो देयरफॉर दिस इज द अल्फा एलिमिनेशन इन विच द लॉस ऑफ द वाटर एंड द लॉस ऑफ यहाँ पे Cl नेगेटिव जो है बाहर निकल जाएगा, दैट टेक प्लेस फ्रॉम द सिंपल वन कार्बन एटम दैट इज द अल्फा कार्बन एंड दैट इज वाई इट्स कॉल्ड हियर द अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट रिएक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हियर, इन द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन वेरी गुड एग्जाम्पल इज दैट कि वी हैव हियर द CH2, हेयर इज OH एंड इफ द प्रोटोन इज एडेड सो द वी विल गेट हेयर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड विद द लॉस ऑफ वाटर इज हेयर। सो दिस इज द टाइप ऑफ द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बट एग्जैक्टली हाउ दिस एलिमिनेशन इज कॉल्ड बीटा, तो लेट वी स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैकेनिज्म स्टडी करने से पहले हम इसकी बात बता दें कि यहाँ पे ये जो प्रोटोन है वो किसी और चीज़ से नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा। तो अगर ये H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव दैट ब्रेक डाउन इनटू दी H पॉजिटिव प्लस हेयर दी HSO4 नेगेटिव आयन। ये पहला स्टेप होगा हमारा मैकेनिज्म का। दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो CH3 है, ये CH2 एंड हेयर इज OH, ये हमारे पास क्या है, इथेनॉल। अब इथेनॉल के बीच में किसकी एडिशन की जाएगी, प्रोटोन की।
तो ये वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड ने एच पॉजिटिव दिया था, तो ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर इसको डोनेट करेगी। जब ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर डोनेट करेगी तो देयर फॉर वाट वी विल गेट हेयर सी एच थ्री सी एच टू, हेयर इज ओ के साथ एच लग जाएगा और यहाँ पे भी एच आ जाएगा। सो सी दैट ऑक्सीजन अगर अपने लोन पे डोनेट कर दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। बींग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट गेट द पॉजिटिव एंड देयर फॉर इट विदड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू वर्ड इट सेल्फ फ्रॉम दिस कार्बन, तो देयर फॉर वाट वी विल गेट हेयर सी एच थ्री एंड सी एच टू एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड विद लॉस ऑफ वाट हेयर वाटर। नाउ ये वाला जो हमारे पास एक तरह का कार्बोकेटायन है, तो कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल कार्बोकेटायन, और जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ी हुई है? ओनली वन कार्बन एटम, तो इसको हम कौन सी कार्बोकेटायन कहते हैं? दिस इज कॉल हेयर प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है हमारे पास, कि ये जो सी एच थ्री है, ये सी एच टू है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसके इस सी एच थ्री को इस तरह से हम लिख ले यहाँ पे एच, तो व्हाट विल हैपन? दिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपनी इलेक्ट्रोडेंसिटी यहाँ पे डोनेट कर देगा, तो देयर फोर वाट वी विल गेट हेयर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू एंड विद लॉस ऑफ वाट हेयर एच पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ईथीन बन जाती है। तो नाउ हेयर यहाँ पे स्टूडेंट एक बात बतानी जरूरी है कि अगर हमने ये इस कार्बन को हम अल्फ़ा मानते हैं तो ये क्या होगा? बीटा। तो देयर फोर ये यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन है और ये कौन सी है? बीटा। देयर फोर द लॉस ऑफ प्रोटोन टेक प्लेस फ्रॉम द बीटा कार्बन, दैट्स वाई इट इज़ कॉल हेयर द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास जो है आ जाती है गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो व्हाट इज द गामा एलिमिनेशन रिएक्शन? In this we have here the Br CH2 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 and Br when zinc के साथ heat करेंगे तो therefore what we will get here the cyclopropane, और साथ में zinc bromide जो है वो loss हो जाता है, तो this is called here the cyclopropane। तो अब इसका mechanism कैसे है? Let's start the mechanism of this reaction। If we have here the CH2, और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है, इसके साथ यहाँ पे Br है और ये Br है, हमने क्या किया इस चीज़ को, ये जो हमारे पास ये रिएक्टेंट है इसका नाम क्या है यहाँ पे? वन, ये वन टू थ्री, चाहे काउंटिंग इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें सेम ही है, तो जैसे वन थ्री डाई ब्रोमो प्रोपेन, और ये जो रिएक्टेंट है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है? इट इज़ दी साइक्लोप्रोपेन। तो हमने क्या किया कि ये जो रिएक्टेंट को हमने यहाँ पे लिख लिया, तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये कार्बन से, ये जो कार्बन है कार्बन से ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्या करेगी, तो कार्बन कैरी विद चार्ज पॉजिटिव, तो ये जो है बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर डोनेट कर देगा, तो देयर फोर वाट वी विल गेट हेयर सी एच टू, यहाँ पे सी एच टू और यहाँ पे सी एच टू और ये यहाँ पे आपस में बॉन्ड बना लेंगे। सो देयर फोर इफ दिस इज कॉल हेयर अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा एंड दिस इज द गामा, सो देयर फोर द लॉस ऑफ दिस बी आर टेक प्लेस फ्रॉम द दिस गामा कार्बन, दैट्स वाई इट इज कॉल हेयर द गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑन दैट विल कंबाइन विद द जिंक एंड वेन हीट वी विल गेट हेयर द जिंक ब्रोमाइड एज अ साइड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दिस इज कॉल हियर द गामा एलिमिनेशन एक्शन। सो थैंक यू स्टूडेंट, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट्स। थैंक यू।